ब्लैक फंगस और उसके सिम्टम्स देखे तो मेरे से मिल रहे हैं सारे। और मेरे को यहाँ पे 500 का नोट मिला। हो ही नहीं रहा, वर्कआउट वीकनेस हो रही है। क्या? हाँ, बहुत दिनों बाद करने वाले वर्कआउट। निकी झंडे, इतनी ज्यादा अच्छी किस्मत मेरी। तो कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया हो, घर पे रहना। एंड कोविड से रिकवर होने के बाद, जैसे कि लास्ट लोग में कोविड का नेगेटिव आया था, लेकिन कफ और वीक में वो इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो रखी थी। तो इम्यूनिटी कोविड के बाद लो हो जाती है, उसके वजह से ये भी मैंने सुना। ब्लैक फंगस और उसके सिम्टम्स देखे तो मेरे से मिल रहे। कोविड ने इतना दुखी कर दिया है यार, कि ठीक होने के बाद भी अब ये नई बातों सिम्टम्स क्या है, नाक बंद हो जाएगी आपकी, ब्लैक कफ आएगा, एंड ये धीरे धीरे फिर ये आंखों में फैलता, रेड आई होने लग जाती है, फिर रेड आई से दिमाग। अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं, तो अभी मैं इतना गौर किया नहीं था इस चीज़ पे, जब मैंने देखा ये अभी फैल रहा है ब्लैक फंगस वाली चीज़, और फिर सिम्टम्स भी सारे सेम चल रहे हैं। तो नाक से तो सांस ही नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा नाक बंद हो गई, ना सोना जा रहा है सही से। तो अभी जाता हूँ हम डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या सीन है। घेर कर रख दिया, ठीक हुआ तो ठीक होने की वजह से, फिर वो इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये ब्लैक फंगस वंगस। तो जो भाई रिकवर रिकवर करें तो अपनी इम्यूनिटी बिल्कुल लो जाती है, तो ध्यान रखना। देख सकते हो आँख लाल पड़ी हुई है अभी भी। अभी जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास, यहीं घर के पास है डॉक्टर। इनके भी यही बीमारी बता रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, नेगेटिव आने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, कब और सांस लेने में प्रॉब्लम, कब की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम। हाँ, कफ तो बहुत ज़्यादा आता है, ब्लैक फंगस वाला तो नहीं है ना, रेड आई भी हो रही है। और एसी में तो रह रहा हूँ मैं, वो तो कह रहा है कि एलर्जी टाइप का कुछ है, और खट्टा नहीं खाना ये, और फ्रिज का भी बंद कर दो। मैंने 4 दिन पहले देखी थी, तेरे को जब पता था ना, इधर क्या कर रहा है? हाँ, ये तो कहाँ तो पे, हाँ मैं कह रहा हूँ ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। और कह रहा है एसी में नहीं रहना, कह रहा 2 दिन में फिट हो भाई, आप दोबारा से फ़ोन कर लेना, मैं भूल गया कैसा बताइए। 4 अभी 2 दोपहर में ऐसे कुछ थी। तो गाइस देखते हैं अब 2 दिन बाद क्या होता है, क्या ठीक होते हैं, निकलता है क्या। नॉर्मल एलर्जी हो बस, तो और कहाँ जाके रूम में गाइस के सामने ना रो, तो और कोई है ही नहीं। क्या चल रहा है? 2 दिन की है ये भाई, वहाँ वर्कआउट करना है मेरे को। वही मूड गया यार इसमें। हाँ, निकला नहीं जा रहा। Two thousand years later. So guys, मस्त नींद लेने के बाद अब हम वर्कआउट करने की सोच रहे हैं। पहला वर्कआउट होगा, नेगेटिव रिवेगेटिव सब कुछ आ चुका है, और एनर्जी तो है, लेकिन वो छीक वीक वाला तो अभी दवाई लेके सही लग रहा है मेरे को। एलर्जी है शायद से, वो फंगस वंगस तो नहीं है, वो ब्लैक फंगस। बहुत दिनों बाद करने वाले वर्कआउट, तो अभी तो करेंगे नहीं, लाइट लाइट करना है बिल्कुल, मिक्स फुल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें दो दो एक्सरसाइज ले लेंगे हर बॉडी पार्ट की, सिंपल एंड ईजी। विल भी कार्डियो कर रहा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं फिर मैं प्री वर्कआउट। इतने दिनों बाद वर्कआउट हो रहा है, प्री वर्कआउट चाहिए, क्या जरूरत प्री वर्कआउट की जब इतना नॉर्मल वर्कआउट होने वाला है, तो ऐसे ही कर लेते हैं।
couple friends. On my way up, I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by the time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. ठीक हो जाऊँ मैं, सही से लग रहा है दोबारा से। तो गाइस इतना ही है आज वर्कआउट, दो ही बॉडी पार्ट कवर हुए और हो नहीं पाए, तो अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ मैं। पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरे ब्लैक ब्लैक फॉलोअर्स, कभी कुछ कभी छीके। तो अभी अच्छे से रिकवर होके पूरा वर्कआउट बनाऊंगा मैं। सॉरी गाइस आज नहीं बना पाया, अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वर्कआउट करने वाला हूँ मैं, फुल दबा के खा के। और ये एक दो दिन में जैसे डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जा रहा है, बैंक को सीधा 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 वहीं रख लेंगे हमें। तो इसलिए अभी इतनी है वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलता हूँ मैं अच्छे से वर्कआउट करने के लिए बाद में। गाइस अभी मैं टफी को बाहर घुमाने आया था और मेरे को यहाँ पे 500 का नोट मिला, देख रहे हो गिरा हुआ। फन फैक्ट ये है कि इसमें फुल ऑफ फन लिखा हुआ है आगे, किस्मत देख रहे हो मिलता है लेकिन मजाक मिल रहा है। निकी झंडा, मैं तो बिल्कुल खुश हो गया था कि ओ भाई साहब किस्मत देख रहे हो कितनी घटिया है। कोई नहीं जाए रहो नीचे, ये देखो मेरे को रोड पे क्या मिला है। क्या? और, हाँ मंदिर में चढ़ा दिया तो मत खाइए इसको, ये लो आप रख लो आप, अरे रख लो देख लो, फटा वटा तो नहीं है, अरे रख लो, अरे दान आप कर देना लो। मैं देख रहा हूँ भाई साहब मेरी कितनी अच्छी किस्मत, इतनी ज्यादा अच्छी किस्मत मेरी, ऐसे पड़ा हुआ था ऐसे उल्टा, उल्टे में तो असली लग रहा था दूर से, और अरे कैसी देख रहा था मैं, 500 का रोड को छोड़ देगा भाई, किस्मत के होते कोई भी पैसे, किस्मत भी नहीं है।